दो बार के विधायक श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 माह की कारावास की सज़ा मुकर्रर की है। क्या कारण है, इस सज़ा क्यों दी गई है, क्या पूरा प्रकरण था और इस सज़ा के को लेकर के विधायक का क्या कहना है, उनका क्या मानना है? मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा ऊपर कोर्ट में, और जिस विषय पर मुझे सज़ा सुनाई गई है वो एक पेशेवर अपराधी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी उसकी संपत्ति कुर करी है, उस पर अनगिनत मर्डर्स हैं और वो HS है, क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, और ना मेरा मोबाइल नंबर है, ना मेरा कोई कांटेक्ट मिलता है उससे, ना मैं कभी उससे मिला, और एक फर्जी मुकदमा जब मैं मेरा भाई 2012 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये फर्जी मुकदमा राजनीतिक से द्वेष मानते हुए लिखा गया। अच्छा, क्या आरोप लगाए गए थे आप पर? जब FIR दर्ज की गई थी संबंधित थाने में तो किस तरह के आरोप वादी पक्ष की ओर से लगाए गए? मारने की धमकी के आरोप। उसमें आप कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें क्या कहा है, क्या फैसला? मारने की धमकी का हमने कोर्ट को अवगत कराया, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय किया वो हमें कबूल है, लेकिन ना तो हमारा उससे कोई लिंक मिलता है, ना हमारा मोबाइल नंबर है, ना मैं उसको जानता हूँ ठीक से, ना कभी मिला हूँ, और वो एक पेशेवर अपराधी है, ये उत्तर प्रदेश और ज़िला जानता है कि वो पेशेवर अपराधी है, गैंगस्टर है, अभी उसकी संपत्ति कुर करी है माननीय योगी सरकार ने, और वो पेशेवर अपराधी है। तो मुझे अपर कोर्ट पर, ऊपर न्यायालय पर भरोसा है, न्याय मिलेगा। क्या अपर कोर्ट पे अपील के अलावा के शासन से भी इस तरह की आपको न्याय की उम्मीद है? नहीं, शासन से तो कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर शासन से न्याय की उम्मीद करते तो इतना बड़ा अपराधी जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड हो और उसको मैं फ़ोन करूं मारने की धमकी दूं, जो ऑलरेडी मार चुका है, मेरे तो खानदान में 307 का मुकदमा नहीं है, नोबडी केस इन माई लाइफ, नो हिनस क्राइम माई लाइफ, तो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन न्यायालय पर पूरा भरोसा, न्याय मिलेगा। क्या आपको लगता है कि क्या आपके करियर को, पॉलिटिकल करियर को डिस्पॉइल करने की पूरी तरह से ये साजिश है, इस तरह का क्या कुछ लोग क्रत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मेरे आने वाले करियर को तबाह करने की ये साजिश है मेरे विपक्षियों के द्वारा, और वो इसमें कामयाब नहीं होंगे क्योंकि मैं निर्दोष था, निर्दोष हूँ और निर्दोष ही पाऊँगा। अच्छा, ये चर्चा है कि जिस तरह से आप एक बार भारतीय जनता पार्टी में शरीक होने की बात थी तब उस तरह का माहौल आपके खिलाफ बनाया गया था, अब चूँकि आप समाजवादी पार्टी की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हूँ, तो क्या ये लगता है कि पूरी तरह से चूँकि आप सक्रिय राजनीति में तो हैं लेकिन पार्टी की राजनीति से अभी लगता है कि अभी उससे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं, तो लोगों को क्या आपको ये आपका ये मानना है कि मैं पार्टी से मैं जुड़ ना सकूं इस वजह से ये षड्यंत्र चल रहा है? नहीं, पार्टी मेरे साथ खड़ी है, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, इनजस्टिस हुआ है सब पता है उन्हें। अच्छा, इस संबंध में आला कमान को कोई अवगत कराया हुआ? हाँ, करा चुके हैं हम लोग। तो वहाँ से किस तरह का आश्वासन मिला? उन्हें कुछ नहीं, न्यायालय पर भरोसा रखिए, आपको न्याय मिलेगा। तो ये मेरे साथ दो बार के विधायक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वहाँ से जीते, बसपा से चुनाव लड़े, वहाँ से जीते, दो बार के विधायक श्री भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है और मैं जस्टिस के लिए अपर कोर्ट पर इसकी अपील करूँगा। साथ ही साथ शासन से कोई उम्मीद की, न्याय की कोई उम्मीद नहीं जाहिर की है, और जो आला कमान है उसको इस पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।